दोस्तों मोटरसाइकिल का लेदर और ड्रम रबर असल और लोकल यानी सस्ता और अच्छी क्वालिटी का कैसे पहचान लें, तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखिए। ये वीडियो आपके सिखाने के लिए है। इंशाल्लाह मैं आपको लगाने का तरीका भी सिखाऊंगा और असल और सस्ता और अच्छी क्वालिटी का लेदर और ड्रम रबर कैसे पहचान लें, तो वीडियो एंड तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जावेद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बुनर ऑटो शॉप। दोस्तों आपने लोकल और सस्ता सामान मोटरसाइकिल के लिए ख़रीदा तो ये देखिए कितना नुकसान होगा आपको। ये देखिए ये लोकल और सस्ता लेदर है, ये टूट चुका है, तो इसका नुकसान कौन है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें व्हील हैप है, इसमें कितना नुकसान होगा लोकल और सस्ता लेदर के लिए। और ये ड्रम रबड़ है, ये भी लोकल और सस्ता है, तो ये देखिए लोकल और सस्ता लेदर ये ड्राम ख़राब करती है। ये देखिए इसमें लकीरी बनती है लोकल और सस्ता लेदर की वजह से। ये देखिए इसमें बहुत बड़ा लकीरा बनता है, तो लोकल और सस्ता लेदर मत लगाई, हमेशा के लिए अच्छी और अच्छी क्वालिटी का पार्ट्स लगाए। ये देखिए ये लोकल बाजारी रबड़ है, ये लोकल है, ये 70 रुपये में मिलती है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इसकी वजह से। तो ये लेदर है लोकल, और लोकल लेदर की वजह से भी आपको बहुत नुकसान होगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अच्छी क्वालिटी का लेदर कौन है और अच्छी क्वालिटी का ड्रम रबल कौन है। तो ये देखिए ये है सस्ता ड्रम रबल, ये देखिए ये बाजारी लोकल सस्ता रबल है ड्रम रबल, और अच्छी क्वालिटी का मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों लोकल और सस्ता ड्रम रबल की वजह से आपकी व्हील हब टूटती है, तो ड्रम रबल अच्छी क्वालिटी का लगा। ये देखिए ये बड़ी गाड़ी की टायर से ये बनती है ये ड्रम रबर, ये अच्छी क्वालिटी का रबर है, ये लगाए इंशाल्लाह ये कोई भी ज़िंदगी में ये ड्रम रबर आप ख़राब ना करें। ये देखिए ये एक लोकल और सस्ता रबर है, और दोनों ये अच्छी क्वालिटी का है, तो दोनों में फ़र्क ये है कि असली क्वालिटी का 100 रुपये में मिलता है और लोकल ड्रम रबर 70 या 50 रुपये में मिलता है। तो अच्छी क्वालिटी का रबर ये है, ये देखिए ये बड़ी कार की टायर से बनती है, और ये है अच्छी क्वालिटी का लेदर है। ये देखिए इसका स्टील भी अच्छी है, और इसके पास लेदर लगा हुआ है, ये भी अच्छी है। तो ये देखिए लोकल और लोकल लेदर है, ये देखिए ये टूट चुका है, तो ये भी आपको बड़ा नुकसान करती है। ये देखिए इसमें लकीरा है, ये देखिए पुरानी लेदर में लकीरा है, और पुराने और ये नया लेदर है इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। तो असली क्वालिटी का लेदर लगाए तो आपकी बैक की ब्रेक भी अच्छी होती है, और आपकी ड्रम यानी व्हील हब भी ख़राब से बचती है। और दोस्तों लगाने के दौरान इस व्हील हब में फिट करें और चेक करें कि इसमें कौन सी प्ले है, तो ये देख के इसमें प्ले नहीं है तो आपकी व्हील हब में प्ले ज़्यादा है, और लेदर नया आपने डाली तो इसमें निकले ये लेदर, और इसमें स्टील की एक टुकड़ा सा इस में अंदर लगाए इस लेदर के अंदर। ये देखिए इसमें लगाए तो आपकी लेदर का प्ले कम हो जाएगी, और ब्रेक भी अच्छी तरह काम करती है, और इस लेदर के चलती की जगह को ग्रीस लगा ले। ये देखिए अच्छी तरह ग्रीस लगा ले,
तो आपकी बैग की ब्रेक को अच्छी तरह काम करती है, तो ग्रीस लाजमी लगा ले। और ये स्प्रिंग है, इसको भी ग्रीस लगा दे। तो अक्सर लेदर की स्प्रिंग पाया यानी टायर की चलती की वक़्त आपकी टायर आवाज़ करती है, ये व्हील हब से आती है तो ये स्प्रिंग आवाज़ करती है, तो स्प्रिंग को भी ग्रीस लगा दे। तो ये देखिए, इस सौ स्प्रिंग को ग्रीस लाजमी लगा दे।